बढ़ते आगे। करौली में करीरी से बालघाट को जाने वाली सड़क का हाल बेहद जर्जर अवस्था में है। इस सड़क से हर दिन हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस सड़क के नवीनीकरण कार्य करवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग ने विधायक पीआर मीणा से और विधायक भरोसी लाल जाटव से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दोनों विधायकों से मिलने के बाद भी क्षेत्रीय जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो करौली में सड़क मार्ग बस से बदतर हो चुका है। कई बार स्थानीय लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि विधायकों से कई बार इसको लेकर गुहार लगाई, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार शासन लेकर प्रशासन तक इसको लेकर फरियाद भी लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में पशु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला विकास प्रबंधक मौजूद रहे, जिन्होंने पशुपालकों को पशुपालन लोन योजना के अंतर्गत विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकता है। वो ये लोन पशुओं को पालने, उनका पालन पोषण करने तथा उनसे अपनी आय को बढ़ाने के लिए ले सकता है। सरकार ने पशु पालन लोन योजना के अंतर्गत कुछ नियम रखे हैं, जिन्हें किसान पूरी करके आसानी से लोन ले सकते हैं। और श्री गंगानगर में किसान आर्मी के बैनर तले किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गुरुलाल सिंह बराड़ ने की। बैठक में मौजूद किसानों ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि किसान एकजुट था, एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। बैठक में 1 फरवरी को रोष रैली निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही रैली को सफल बनाने के लिए 13 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल संगठन के प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपाल सिंह राव के अनुसार महासंघ ने अपनी मांग पत्र में रेलवे के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण का निर्णय वापस लेने, ग्रुप बी व ग्रुप सी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन अर्थात सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 को लागू करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान अविलंब करने जैसी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कर्मचारी महासंघ ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। और टोंक खुर्द में विधानसभा स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें सोनकक्ष, भोरसा, पीपल, रावा, चौबरी, धीरा सहित 5 ब्लॉकों के मंडलम सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री और सोनकक्ष विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और विधायक वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के पैसे से मंदिर भी बने और मस्जिद भी, पर बीजेपी जुलूस निकालकर चंदा वसूल कर रही है। कांग्रेस ने भी कभी जुलूस निकालकर चंदा नहीं मांगा। और बैतूल के मलाजपुर गांव में हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन किया गया है, और इस मेले का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि यहां संत गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर भूत प्रेतों से पीड़ित लोगों का झाड़फूंक के जरिए इलाज हो जाता है, और इस मेले में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को ठीक करने के लिए झाड़ू से पीटा जाता है। वहीं हर साल आस्था और अंधविश्वास की बहस के बीच ये भूतों का मेला जारी है। इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ खास बंदोबस्त किए गए हैं और मेला क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। के मलाजपुर गांव में हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को मास्क लगाने की अपील भी की गई है। इस मेले का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया है, और इस मेले के बारे में ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर संत गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल है, जहाँ पर जो लोग भूत प्रेतों से पीड़ित होते हैं उनका झाड़फूंक किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है।
फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।